सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, सपोज आपके पास कोई भी तीन चार्जेस हैं, जैसे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ये 3 चार्जेस हैं। अब क्वेश्चन है, और ये फिक्स्ड है, तीनों पॉजिटिव है, क्वेश्चन है कि 4 कूलम के ऊपर फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा? इसके आस पड़ोस के चार्जेस लगाएंगे, आस पड़ोस चार्जेस कौन है? एक 3 है और एक 2 है। तो क्वेश्चन है कि आपको नेट फोर्स निकालनी है किसके ऊपर? 4 कूलम के ऊपर। ठीक, तो 4 कूलम पे नेट फोर्स कैसे निकलेगी? 4 कूलम पे नेट फोर्स निकलेगी, 2 कूलम 4 कूलम को क्या करेगा? रिपेल। अब रिपेल में क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा कि दूर करेगा? दूर करेगा। तो वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, जैसे मान लो ये 1 मीटर है, मान लो ये 1 मीटर है, ऐसे होगा। तो मैं वेक्टर किस पे ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं वेक्टर 4 कूलम पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 कूलम, 4 कूलम के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। अब 4 कूलम की जो नेट फोर्स है, कौन लगा रहा है? 1, 2 ने 4 को रिपेल किया, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। वेक्टर समझ में आ रहा है, राइट की तरफ है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स किसने लगाई? 2 ने। कहाँ लगाई? राइट। क्यों? क्योंकि ये इसे क्या करेगा? रिपेल। अब 4 कूलम पे एक और फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा? 3 कूलम। अब 3 कूलम कितनी फोर्स लगाएगा? 3 कूलम पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल, तो रिपेल करेगा तो ये वेक्टर बनेगा। अब रिपल्शन में वेक्टर कैसे बनेगा? राइट बनेगा। तो क्या होगा? 1/4πε0 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। अब किसी ने ये कहा, सर आप वेक्टर यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ये भी तो इसे रिपेल कर रहा है, ये इसे रिपेल कर रहा है, वो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? पूछा ही नहीं। अगर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा होता फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 कूलम, तो मैं सारे वेक्टर किस पे बनाता? 2 कूलम पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 कूलम, सारे वेक्टर 4 कूलम पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, सारे वेक्टर 3 कूलम पे। अभी करके दिखाऊंगा। अब 2 वेक्टर्स हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगी? इसको इवेल्युएट करो, इसे करो, और 2 वेक्टर्स ऑपोजिट है, तो बड़े वेक्टर में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, नेट आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, सुपरपोजिशन है क्या? ठीक, तो क्वेश्चन है 3 चार्जेस देगा, आपको कहेगा कि 4 कूलम पे नेट फोर्स बताओ। आपने ये देखना है कि 4 कूलम के ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है। क्या 2 कूलम लगा रहा है? क्या 3 कूलम लगा रहा है? ऑब्वियसली सराउंडिंग चार्जेस तो लगाएंगे। कहाँ लगा रहा है वो साइन डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और फिर एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करेंगे। अब मान लो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको ये कहा कि 3 कूलम है, 4 कूलम है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 5 कूलम है। मैंने आपको ये कहा कि अब 3 कूलम के ऊपर नेट फोर्स निकाल लो। मैंने कहा फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम। अब 3 कूलम पे फोर्स कौन लगाएगा? सराउंडिंग चार्जेस। सराउंडिंग में कौन है? 4 और 5। सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे? अब 3 पे, क्योंकि 3 की बारी आ गई। तो अब बताओ 4 कूलम 3 कूलम को अपने से दूर क्या करेगा? रिपेल। तो एक वेक्टर कहाँ बनेगा? यहाँ पे। कितना? 1/4πε0 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 कूलम को 4 कूलम ने रिपेल किया, 3 कूलम को 5 कूलम भी क्या करेगा? रिपेल। तो कहाँ करेगा? पुश राइट की तरफ। तो एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ करेंगे, 1/4πε0 5 × 3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? 2। तो 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब कोई कहेगा सर इनके ऊपर वेक्टर ड्रॉ नहीं किए, ये भी तो आपस में पुश कर रहे हैं। पूछा ही नहीं, उसने किस पे पूछा? फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं? 3 कूलम। अगर नेट फोर्स ऑन 4 कूलम, सारे वेक्टर 4 कूलम, नेट फोर्स ऑन 5 कूलम, सारे वेक्टर 5 कूलम। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है।
फोर की डायरेक्शन में फाइव ने फोर को रिपेल किया, कितनी फोर्स के साथ, 1/4π∭5×4 20/1 का स्क्वायर। थ्री ने फोर को रिपेल किया, 1/4π∭4×3/1 का स्क्वायर। ये 20 है, ये 12 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट आंसर राइट है, बड़े में से छोटा राइट। ये देखो यही किया हुआ है आगे, ये देखो सपोज 3 कूलम है, 2 कूलम है और 4 कूलम है, आपको नेट फोर्स किस पे निकालनी है, 2 कूलम पे। तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, 2 कूलम पे। तो 2 कूलम पे सराउंडिंग चार्जेस कौन कौन से हैं, 4 है और 3 है। तो 3 ने 2 को रिपेल किया, 1/4π∭3×2/1 का स्क्वायर, और 4 ने 2 को भी रिपेल किया, 1/4π∭2×4/1 स्क्वायर। इनमें से कौन बड़ा है, ये 8 है या 6 है, तो ये बड़ा है, तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस, तो नेट जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, लिख देना लेफ्ट, ठीक है। तो हाँ इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 9×10^9 करके सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, फिर देखो अब सेम क्वेश्चन है, 1 1 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस लिख लेना, नेट फोर्स किस पे निकालनी है, 3 कूलम। अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, 3 कूलम। तो ये रहा 3 कूलम, अब 3 कूलम पे कौन लगाएगा फोर्स, सराउंडिंग चार्जेस। सराउंडिंग चार्जेस में कौन कौन है, 2 और 4। तो 2 ने 3 को रिपेल किया, 1/4π∭3×2/1 का स्क्वायर, और 4 ने 3 को रिपेल किया, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, दोनों वेक्टर टुवर्ड लेफ्ट है, ठीक, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेफ्ट लेफ्ट की तरफ है, ऐड हो जाएंगे, इन्हें ऐड कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर टुवर्ड लेफ्ट आ जाएगा। अब सपोज करो मैंने एक चार्ज अब नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मुझे क्या करना है, नेट फोर्स किस पे निकालनी है, माइनस 3 कूलम पे। सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, माइनस 3 कूलम पे। अब माइनस 3 कूलम को 4 कूलम अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये देखो प्लस 4 कूलम माइनस 3 को अट्रैक्ट, तो इसका वेक्टर यहां बनेगा कितना, वैल्यू क्या होगी, 1/4π∭4×, आप सोचेंगे माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, नहीं, कूलम लॉ आपको क्या बताता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आपने नेगेटिव नहीं लेना इस फॉर्मूले में फोर्स में, आपने मैग्नीट्यूड ही लेना है। फिर आप कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव को एडजस्ट कर रही है। वेक्टर देखो ना, वेक्टर अगर ये मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव होता, वेक्टर इधर बनता, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर बनता, तो पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर से एडजस्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे। तो 4 कूलम ने माइनस 3 को अट्रैक्ट किया, और इस 6 कूलम ने माइनस 3 को अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये जो 6 कूलम है ये भी खींचेगा माइनस 3, तो क्या होगा, 1/4π∭3 माइनस 3 नहीं, इंटू 6/2 का स्क्वायर। दोनों वेक्टर कहां पर है, टूवर्ड राइट, दोनों को ऐड कर, ऐड किया, वैल्यू पुट की, आंसर टूवर्ड राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को करो, माइनस 4 कूलम के ऊपर निकालो क्या होगा, तो आप वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसने माइनस 4 पे बोला, तो देखो अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे, माइनस 4 पे।
तो 3 कूलम माइनस 4 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, 3 कूलम माइनस 4 को अट्रैक्ट करेगा, तो ये वेक्टर ये रहा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught 3 × 4/1 का स्क्वायर। पहला वेक्टर क्लियर है। अब माइनस 8 माइनस 4 को क्या करेगा, रिपेल। अब रिपल्शन में क्या होगा, अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा, दूर भगाएगा, तो वेक्टर कहाँ बनेगा, राइट, 1/4 pi epsilon naught 8 × 4/1 का स्क्वायर। दोनों वेक्टर्स कहाँ हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट वैल्यू में 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू 9 × 10^9, 8 × 4/1 का स्क्वायर और 3 × 4/1 का स्क्वायर, और आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इतने न्यूटन लेफ्ट। तो मेथड समझ में आ रहा है कि किसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करने है? फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 कूलम, 2 कूलम के ऊपर। कहाँ बनेंगे, 2 पे। अब 2 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, सराउंडिंग चार्जेस, सराउंडिंग चार्जेस में एक 1 है और एक 1 है, तो लगाएं 1 कूलम ने 2 कूलम को क्या किया, रिपेल, स्ट्रेट लाइन में रिपेल। तो एक वेक्टर यहाँ बनेगा, यहाँ बना देता हूँ, ये देखो, तो 1 कूलम ने 2 कूलम को क्या किया, रिपेल, ठीक है। तो एक वैक्टर यहाँ बनेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी 1/4 pi epsilon naught 1 × 2/5 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये 1 कूलम 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। तो कहां वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली ऐसे। तो वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught 1 × 2/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब दो वेक्टर्स हैं, अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, अगर ये सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड, ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट। अब या तो मुझे इनके बीच में एंगल पता हो ताकि मैं पैरेललोग्राम लाऊं और वेक्टर एडिशन लगाऊं, या फिर कंपोनेंट्स वेक्टर में आपने सीखे थे, तो हम इसको कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं कैसे। तो ये फोर्सेस समझ में आ गई है, दोनों फोर्सेस रिपेल रिपेल। अगर 5 3 4 5 3 4 सिमेट्री है, थीटा थीटा सेम बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा। एफ का पहला कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा। ऐसे ही इस एफ का एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। इन दोनों को ऐड किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही चुके हैं, 1/4 pi epsilon naught 1 × 2/5 का स्क्वायर, कॉस थीटा ट्राइंगल से निकाल लो, 4/5 आंसर। तो समझ में आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में होंगे, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। ये एंगल लेना आपने, इजी तरीका यही है, वो एंगल लेना, पहले वो लेंगे फिर उसे ये निकालेंगे, फिर करना तो कंपोनेंट्स ही है।
तो बेटर है कि वही ले लो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि वेक्टर की एप्लीकेशन है। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर ये ना पता हो तो आप ये कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में गिवन होंगे दो कंडक्टर्स, वुड नहीं लोहे के कंडक्टर्स, इक्वल साइज स्फीयर्स कंडक्टर्स। तो दो कंडक्टर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज Q1, एक के ऊपर Q2। क्वेश्चन में कहेगा इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ के सेपरेट कर दें तो नए चार्जेस क्या होंगे। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अब ये एक बॉडी है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक, तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज हो गया एक बॉडी का। अब जब आप सेपरेट करोगे, क्योंकि इक्वल साइज बॉडी है, अगर इक्वल साइज ना होती फिर ये शॉर्टकट ना चलता, इक्वल साइज बॉडी है तो बराबर बराबर चार्ज बांट लेंगे। तो इस पे क्या होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे क्या होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? तो चार्ज एवरेज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है एक ए एक बी और एक सी, एक Q1 एक Q2 और एक अनचार्ज्ड है, ठीक है, तीन है अनचार्ज्ड है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पहले ए और सी को कॉन्टैक्ट में लेके आए, ए और सी को कॉन्टैक्ट में लेके आए, जोड़ दिया। अब सी तो अनचार्ज्ड है तो सी का ओरिजिनल चार्ज क्या है, जीरो, और इसका क्या है Q1, सेपरेट कर दो। सेपरेट करके क्या आएगा Q1 प्लस 0/2, Q1 प्लस 0/2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिचुएशन क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब अगला स्टेप गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा सी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी, सी और बी को जोड़ दो। अब जो बी है उसका ओरिजिनल चार्ज क्या है Q2, सी का चार्ज क्या हो चुका है Q1/2, तो C का चार्ज है Q1/2 और B का क्या चार्ज है Q2, एक बॉडी है तो ये टोटल चार्ज है, सेपरेट करने पे आधा आधा कर लेंगे आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपने इसको जोड़ा सेपरेट कर लिया कॉन्टैक्ट में लेके आया अलग कर दिया, तो पहले ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है यहाँ तक? इस क्वेश्चन को करो, चार चार्जेस हैं, नेट फोर्स प्लस क्यू पे निकालनी है, सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं प्लस क्यू।
देखो पहले ये बताओ, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो डायगोनल का साइज क्या होता है? रूट टू ए। तो हाफ डायगोनल क्या होगी? रूट टू ए डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ए बाय रूट टू। तो हाफ डायगोनल ए बाय रूट टू। ये देखो अब एक काम करेंगे, इसमें दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, नेट फोर्स किस पे निकालनी है? क्यू पे। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस पे वेक्टर बनाएगा, तो वेक्टर कहाँ बनेंगे? प्लस क्यू। तो चलो प्लस क्यू ने प्लस क्यू को क्या किया? रिपेल। ये लो, तो इस एफ की वैल्यू क्या होगी? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से ये क्यू भी इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम, सिमेट्री है। ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है। नेक्स्ट, अब जो माइनस क्यू है इस प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट, खींचेगा अपनी तरफ। तो वेक्टर कहां बनेगा? ये बना वेक्टर एफ। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि फोर्स के मैग्नीट्यूड में साइन तो लेते नहीं, तो 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू अगेन क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। साइन तो लेना ही नहीं है फोर्स के अंदर, बात ही खत्म, ठीक। साइन का काम कौन कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो एक वेक्टर कहां आएगा? ये इधर आएगा एफ। वैल्यू सेम है, चार वेक्टर बन गए। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या आएगा? 2f। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्या आएगा? 2f। 2f 2f, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट करेंगे, आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, मैं करके दिखाता हूं, ये देखो कैसे। नेक्स्ट शीट है उसमें किया हुआ है, ये देख लो। तो कैसे किया हुआ है? ये इसे रिपेल कर रहा है F1, ये इसे रिपेल कर रहा है F2, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है F3, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है F4। F1, F2, F3, F4 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, कितना? F। तो इनको, इसको अलग बना लिया डायग्राम में, ये देखो 90 डिग्री पे है क्योंकि एंगल 90 है, तो ऐसा बना लिया डायग्राम। तो 2F2F, ऑब्वियसली 2F2F होगा ये। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 2F2F का स्क्वायर 2√2f, f की वैल्यू को पुट करके आंसर। और डायरेक्शन अगर मेंशन करनी है तो पैरेललोग्राम में नाम दे दो ओके, या लिख दो डाउनवर्ड्स, या लिख दो ओके, कुछ भी, तो डायरेक्शन भी आ गई। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे सॉल्व? होमवर्क भी दूंगा, ट्राई भी करके आना एक बार अच्छे से। तो क्या है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ना। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है टू फिक्स्ड चार्जेस 4e एंड e आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a, 4e और e सेपरेटेड बाय a, वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड। तो थर्ड पॉइंट चार्ज कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मान लो q ले लिया मैंने, मैं कहां प्लेस करूं इनके बीच में? तो मान लो मैंने x पे प्लेस किया, तो ये कितना हो गया a माइनस x, तो मुझे x निकालना है, सच दैट थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इट किसकी बात हो रही है? थर्ड चार्ज की। थर्ड चार्ज कौन सा है? क्यू।
तो क्यू को किस में लेके आना है, इक्विलिब्रियम में एक्स बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है जब नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे क्या हो जाती है, जीरो, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक हो गया आंसर? तो अब अगर मुझे स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम बनाना है तो सारी फोर्सेस मुझे कहां ड्रॉ करनी है, स्मॉल क्यू पे। तो सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करेंगे, स्मॉल क्यू पे, और इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, नेट फोर्स को क्या करेंगे, जीरो। देखो कैसे, सपोज ये चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। ठीक, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा 1/4πε0 4e into q/x² क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, 1/4πε0 e into q/a-x² क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वही सेम केस है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया। ठीक हो गया? तो दो फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। वो क्या कह रहे हैं, स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। जीरो कब आएगी, जब लेफ्ट की फोर्स और राइट की फोर्स आपस में इक्वल होंगी, दे वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर, जीरो। तो इसकी वैल्यू को इसके इक्वल कर दें तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो। तो मैंने इन्हें इक्वल किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर आ गया। ये असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन आपको होमवर्क करके आना है, मैं मेथड बता रहा हूँ सिर्फ कि कैसे आपने सोचना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, एक बार इसको पढ़ना प्लीज। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। जो ये क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, बिल्कुल सेंटर में डाल दिया। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, शो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। उसने ये नहीं कहा कि दिस चार्ज इट इज इन इक्विलिब्रियम, जैसे पिछले क्वेश्चन था इट इज इन इक्विलिब्रियम, सिर्फ स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम है, इसमें तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब तीन चार्ज है, तीनों इक्विलिब्रियम है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर नेट फोर्स ड्रॉ करूं तो आंसर जीरो आएगा, इसके ऊपर करूं तो भी जीरो आएगा, इसके ऊपर करूं तो भी जीरो आएगा। तो कह रहे अगर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो प्रूव करो स्मॉल क्यू की वैल्यू -q/4 है। ये क्वेश्चन है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज माइंड में ये आती है कि स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में करते हैं। पिछला क्वेश्चन था स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में करने के लिए वेक्टर सारे किस पे ड्रॉ करने हैं, स्मॉल क्यू पे। ठीक, स्मॉल क्यू पे, स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में करने के लिए वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, स्मॉल क्यू पे। अब स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू क्या करेगा, रिपेल राइट की तरफ। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल 1/4πε0 q/x². इधर से ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को क्या करेगा, रिपेल। दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिया, कैंसिल हो गई, नेट फोर्स जीरो आ गया, इक्विलिब्रियम है। पर मेरा आंसर नहीं आया क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि स्मॉल क्यू -q/4 है, वो मैं प्रूव नहीं कर पाया। तो यानी कि अगर मैं स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम में लूं तो मैं अपना आंसर तक पहुंच नहीं पाऊंगा।
पर कोई बात नहीं, उसने क्या कहा, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में, अगर स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं आया कोई बात नहीं, कैपिटल क्यू को कर लो, अगर आंसर नहीं आया इस कैपिटल क्यू कर लो, इससे तो नहीं आया चलो इसको कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में, ये देखो फिर से किया। तो अब इसका इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सारे वेक्टर किस पे, कैपिटल क्यू पे। अब कैपिटल क्यू पे फोर्स कौन लगाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल, 1/4πε0 क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय 2x का स्क्वायर, दोनों रिपेल, टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, ऐड करें पर नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए, ऐड करके इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो, क्योंकि उसने बोला इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का नेट फोर्स क्या आनी चाहिए, जीरो, ठीक है यहां तक, तो जीरो किया, कॉमन जीरो से कट गया, आंसर आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम को, ठीक। तो कोई चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो सारे वेक्टर उस चार्ज पे बनेंगे और इन द एंड उसको जीरो कर देंगे, ठीक है यहां तक, ठीक, डाउट, ठीक है, इसको नहीं इसको करो, क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन है अ फ्री पिथ बॉल, पिथ बॉल एक ऐसा मटेरियल है जिस पे चार्ज स्टे कर सकता है, चार्ज हो सकती है वो, तो पिथ बॉल है 8 ग्राम की, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और चार्ज कितने हैं, 5×10⁻¹ कूलम, व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट वुड बी गिवन टू सेकंड पिथ बॉल, तो एक और पिथ बॉल लो, बोलो इसका चार्ज क्या लेंगे, बोलो उसका मैग्नेटिक साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, सो दैट पहली बॉल हवा में स्टेशनरी रहे, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब ये मेरी बॉल है, पहली पिथ बॉल 8 ग्राम वाली हवा में है, 5 सेंटीमीटर नीचे, वगैरह दूसरी बॉल लो, इसका साइन बताओ, इसका चार्ज बताओ, ताकि हवा में स्टेशनरी रहे। तो रूल नंबर 1, कोई चीज हवा में स्टेशनरी रह नहीं सकती, कौन उसको घेरता है, उसका वेट, तो mg डाउनवर्ड्स है तो गिरेगी गिरेगी, तो यानी कि एक फोर्स ऊपर होनी चाहिए जो वेट को बैलेंस करे, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन चाहिए, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करें, रिपेल। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, Q2 चार्ज है इसका जो निकालना है, तो अगर आप चाहते हो कि ये रेस्ट पे रहे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को इक्वेट कर लिया, एम आपको पता है 8 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व करके क्या आ गया, Q2 एंड Q2 इज पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक, ये सब प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो आप प्रैक्टिस करके आना इसकी। नेक्स्ट है, अब एक चीज देखो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो ना SI सिस्टम में कर रहे हैं, हमने कोई भी क्वेश्चन CGS में नहीं किया,
क्योंकि सी जी एस में 1/4 pi epsilon naught 1 होता है, आता भी नहीं, बहुत कम आता है, एक आध क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे थ्योरी बतानी पड़ रही है। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर वैक्यूम है, कि अगर वैक्यूम मीडियम है, ऐसा सिस्टम है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r2, ठीक हो गया। अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा, क्लियर है। मैंने आपको करवाया आज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो डिवाइड करके निकाला था ना, तो आप एप्सिलॉन एम को क्या पुट कर सकते हो, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यहां पुट कर ले तो आंसर आ गया, ठीक। तो एसआई सिस्टम के अंदर हम रूल बना लेते हैं, अपने लिखने लिख भी सकते हैं, हम एक काम करते हैं इसमें रूल बनाते हैं कि अगर एसआई सिस्टम है और वैक्यूम है तो फोर्स की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r2, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर वैक्यूम की जगह मीडियम है तो फोर्स मीडियम में 1/4 pi epsilon naught into K, अभी जो प्रूव किया हमने, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर 1/4 pi epsilon naught K की जगह एप्सिलॉन आर भी कई बुक्स यूज करती हैं, एक ही बात है, ये लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कई बुक्स ऐसे यूज करेंगी एसआई सिस्टम में, वैक्यूम में, मीडियम में, कई ऐसे यूज करेंगी, और वैक्यूम में तो क्लियर ही है, मीडियम के अंदर ये के एक्स्ट्रा लगेगा या एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है? अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर एक काम करूं, मीडियम चेंज कर दूं, मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया, एसआई सिस्टम में वैक्यूम में ये फॉर्मूला, एसआई सिस्टम में मीडियम में ये फॉर्मूला, इसकी जगह ये मॉडिफाइड फॉर्मूला। अब याद करो सीजीएस के अंदर फॉर्मूला क्या होता था, 1 into Q1 Q2 / r2, सीजीएस में यही था। अब मीडियम के अंदर यह फॉर्मूला है तो एक काम करो, और ये एसआई सिस्टम का फॉर्मूला है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो कुछ ना करो, इसको वन पुट कर दो, आंसर आ गया। तो सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर आपने 1/4 pi epsilon naught को क्या पुट कर देना है, 1। तो कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला हमें पता है, ये हमने मॉडिफाई कर लिया, सीजीएस में जाना है तो इसकी जगह 1, सीजीएस में जाना है तो इसकी जगह 1, सिंपल। तो अगर कोई न्यूमेरिकल सीजीएस में आता है और वैक्यूम में आता है तो ये फॉर्मूला, सीजीएस में आता है, मीडियम में आता है तो ये फॉर्मूला, ठीक। इसके बेस पे इस क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज। क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, तो फोर्स है इक्वल चार्ज है Q एंड Q, मीडियम में पड़े हुए हैं,
एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर सीजीएस है गिवन है और 16 डाइम है सीजीएस है, ये दो चार्ज है सीजीएस में और फोर्स 16 डाइम सीजीएस में। ऑन इंक्रीजिंग वन ऑफ द चार्ज बाय 56 स्टैट कूलम सीजीएस है, तो एक चार्ज पहले क्यूआर क्यू था, अब क्यूआर क्यू प्लस 56, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मस्ट बी चेंज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। तो पहले दूरी कितनी थी इसमें, पहले डिस्टेंस 9 था, वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर से चेंज कर दो दूरी। अब चेंज में 9 प्लस 3 भी हो सकता है, 9 माइनस 3 भी, पता नहीं क्या, सच दैट फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स सेम। चार्ज बढ़ा दिया कोई बात नहीं, डिस्टेंस को चेंज करो पर फोर्स को सेम रखो। तो आपको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है मीडियम का और चार्ज बताना है। तो रूल नंबर 1, सीजीएस का फॉर्मूला क्लियर है मीडियम में, मैंने भी कर पाया। केस नंबर 1, दोनों चार्जेस क्यों हैं, पहले केस में डिस्टेंस 9 है फोर्स 16 है, तो 16 इज इक्वल टू 1/k, क्योंकि मीडियम में वैक्यूम तो गिवन नहीं है। कैसे पता लगा मीडियम है, गिवन है इन अ मीडियम, नहीं तो आप 1 पुट करते हैं, मीडियम है तो 1/k, तो 1/k पहले केस में क्यू और क्यू सेम है सीजीएस में 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में q1 तो q है, q2 q प्लस 56, तो फोर्स रिमेनिंग सेम, फोर्स बोल रहा सेम रखो 16। अब डिस्टेंस क्या करूं, 9 प्लस 3 की 9 माइनस 3, देखो अगर मैं न्यूमिनेटर बढ़ाता हूं और फोर्स मुझे सेम रखनी है तो मुझे डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, दोनों बढ़ेंगे तभी रेशियो विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर 9 प्लस 3 आएगा, 9 माइनस 3 नहीं आएगा, ये माइनस करने से डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी फोर्स, सही। तो दो इक्वेशन हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन आप करके आएंगे, दूंगा जो आज होमवर्क, सॉल्व करके आंसर आएगा। पर आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, ठीक है यहाँ तक।